नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल नॉलेज में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बात करी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हमने चार मॉड्यूल सीखे, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, रिज्यूम एक ग्राफिकली मेथड से कैसे हम रिज्यूम डिज़ाइन करते हैं, और ऐसी चीज़ें हमने सीखी। तो गाइज, अब क्या है यार, कैनवा टूल पे बहुत सारी अब मेथड आ चुके हैं, जैसे पोस्टर कैसे बनाना है, ठीक है, वीडियोस आ जाती हैं, वीडियोस अगर एडिटिंग करनी है आपके, वीडियोस की ज़रूरत है तो आप वीडियोस का यूज़ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं। अब गाइज, मेरा मेन पॉइंट जो था, मेन मोटिव जो था, वो आपको कैनवा टूल के बारे में बताना था कि आप यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब आप, मुझे आशा है, इजिली आप इसका यूज़ करके, आपको गाइज खुद से एडिटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। एक जनरल ओवरव्यू मुझे देना था कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल को हमें आगे बढ़ना होगा, इसलिए अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कैनवा टूल आपको यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। पिक्सलर टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ग्राफिक डिज़ाइन के लिए आप कैनवा टूल ही यूज़ करें स्टार्टिंग में, ठीक है गाइस। तो आशा है आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। मेरा बस एक ही मोटिव है कि मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, प्रोवाइड कराऊं। और इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।